The word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? अब जो word proposal होता है उसके बहुत सारे meanings होते हैं तो क्या आप guess कर सकते हैं कि ये जो play है वो किस proposal से related है As I told you earlier, की ये marriage proposal से related है So let's see the three suggestions given here. A suggestion, plan or scheme for doing something. जो हम एक proposal रखते हैं वो किस चीज से related हो सकता है कोई भी suggestion हो सकता है plan हो सकती है या कोई भी scheme हो सकती है जो हम planning plotting करते हैं उससे रिलेटेड किसी भी काम को करने के लिए दूसरा होता है एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन जब हम कोई भी ऑफर करते हैं किसी चीज के लिए कि प्लान क्या है या हमें आगे क्या काम करना है एंड द द थर्ड वन कैन बी एक्ट ऑफ आस्किंग हैंड इन मैरिज जो कि ये प्ले पे डिपेंडेड है कि जब हम किसी का हाथ मांगते हैं शादी के लिए सो नाउ अ रशियन वेडिंग अब ये जो चैप्टर है वो एक रशियन वेडिंग के ऊपर डिपेंडेड है जो हमारे राइटर हैं एंटन शिकाव वो रशिया से बिलोंग करते हैं तो वहां का जो वेडिंग रिचुअल है वो क्या है वो इस बॉक्स में थोड़ा सा हमें दिया हुआ है रशियन मैरिज सेरेमनी क्या आप रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में कुछ जानते हैं कि जो रशिया में शादियां होती हैं, उसमें कौन सी रस्में निभाई जाती हैं उसके बारे में रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग ये जो आर्टिकल है वो एक रशियन शादी के बारे में है प्रेपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग क्या क्या तैयारियां रशियन वेडिंग के लिए की जाती है रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है ये द प्लानिंग ओनली इनक्लूड्स अरेन्जिंग फॉर रिंग रिसेप्शन इसमें बहुत ही सिंपल होता है शादी बहुत ही simple तरीके से होती है इसमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है जैसे की रिंग्स जो की अंगूठी पहनाई जाती है शादी के टाइम पे ब्राइड की जो ड्रेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कार्स कार्स वहां पे इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि उस कार में बैठ के वो लोग जब उनकी शादी हो जाती है तो दे गो ऑन टू अ टू स्पेंड समाइम एंड आफ्टर दैट और रिसेप्शन और एक जो रिसेप्शन होता है जिसमें सारे जो गेस्ट हैं वो अपनी वेल well विशेष देने उन लोगों के लिए आते हैं और वहाँ पे यूजुअली फीस्ट होता है ये जहाँ लोग बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं खुशियां मनाते हैं शादी की so पहले क्या होता था ब्राइड मतलब होता है दुल्हन दुल्हन की फैमिली जो होती थी वो रिसेप्शन के लिए पैसे देती थी पर आजकल क्या होता है ब्राइड और ग्रूम ग्रूम होता है दुल्हा दोनों की फैमिलीज

और दुल्हन के वो पहले ही शादी से मिलते हैं कुछ बार और बहुत सारे पोस्टर्स बनाते हैं कुछ स्पीचेस लिखते हैं जो कि वो ब्राइड या ग्रूम के लिए लिखते हैं उन्हें अच्छा अच्छा जो भी बातें हम उनको बोलना चाहते हैं वो सब उसमें लिखा हुआ होता है और कुछ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर फन मतलब कोई भी गेम्स हम कह सकते हैं या कोई भी पजल्स हम कह सकते हैं वहां पे ऑर्गेनाइज की जाती है ग्रूम अराइव टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ही हैज टू फाइट टू गेट हर अब जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है रजिस्ट्रेशन के लिए उसको फाइट करना पड़ता है उसे पाने के लिए रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स रशियंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं जो कि बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती है स्काई स्क्रैपर्स होते हैं यूजुअली एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइंब स्टेयर्स और जो दुला है उसे बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं टू रीच हिज ब्राइड अपनी ब्राइड के पास पहुंचने में बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप पर हर एक लैंडिंग पे लैंडिंग होता है हर एक फ्लोर पे उसे एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है ताकि वो ऊपर जा सके तो ये इस तरीके के कुछ गेम्स होते हैं टू मेक द सेरेमनी मोर इंटरेस्टिंग एंड टू नो हाउ मच द ग्रूम नो अबाउट द ब्राइड बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन अब जहाँ पे जो ब्राइड होती है उसके जो दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं दूल्हे से कभी कभी वो क्वेश्चन ब्राइट के बारे में होते हैं या कुछ डिफिकल्ट पहेलियां होती हैं जो वो उससे पूछते हैं और दूल्हे को उन सभी सवालों के जवाब देने होते हैं उसके दोस्तों की मदद से फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन इज ब्राइड इज अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि उसे कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं जिसमें से उसे ये पता लगाना होता है

जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ ऐसे इस टेबल पे बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और जो लोग गेस्ट इनवाइट किए गए होते हैं उन सभी के साथ द रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट टू कपल तो अब जो रिसेप्शन है वो कपल्स के लिए एक टोस्ट करते हुए स्टार्ट होता है टोस्ट बेसिकली होता है कि जब वो अपने ग्लासेस उठाते हैं हवा में और एक एक्सप्रेस करते हैं अपनी कोई भी विश या डिजायर फॉर सक्सेस फॉर हैप्पीनेस और या किसी भी और दूसरी अच्छी चीज के लिए तो यहाँ पे जो बेसिकली अच्छी चीज है वो इन न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनकी शादी हो गई होती है तो ये एक बहुत खुशी की चीज होती है तो इस पिछड़ में हम जैसे देख सकते हैं कि ये सभी अपने ग्लासेस ऊपर उठा के दे टोस्ट द न्यूली मैरिड कपल सो आफ्टर दैट अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम यहाँ पे वापिस से बताया गया है कि वेडिंग टोस्ट क्या होता है ये कस्टम होता है वेर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द्राइट से फ्यू वर्ड टू विश द कपल वो कुछ वर्ड्स कहते हैं ग्रूम और ब्राइड के लिए और उन्हें वेल विशेस देते हैं देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लासेस ऑफ वाइन तो सब उसके बाद अपने जो वाइन की ग्लासेस हैं वो रेज करते हैं एंड ड्रिंक इट अप और फिर उन्हें पी लेते हैं एट द सेम मोमेंट उसी समय द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड और उसके बाद जो दुल्हा होता है ही इज आस्क्ड उसे अपनी ब्राइड जो उसकी दुल्हन होती है उसे किस करने की परमिशन मिल जाती है आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग और फ्यू टोस्ट के बाद जब कुछ लोग सारे अपनी विशेस दे देते हैं और अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल देते हैं उसके बाद खाने पीने का सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है एंड जनरली वो लोग बहुत ज्यादा फन करते हैं आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स तो कुछ देर बाद क्या होता है जो दुल्हन होती है वो चोरी हो जाती है रियल में नहीं होती है मतलब वो छुप जाती है शी डिस गायब हो जाती है एंड वेन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर हर और जब जो दुल्हा होता है उसको ढूंढना शुरू करता है ही इज टू पे अ फी तो उसे पैसे देने के लिए कहा जाता है इट इज हिज फ्रेंड्स चोरी कर लेते हैं, Then, there are bride's friends. उसके बाद क्या हैं? जो दुल्हन होती है और वो लोग क्या करते हैं दूल्हे के जूते चोरी कर लेते हैं जैसे हमारे इंडियन कस्टम में भी होते हैं उसी तरीके से द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शूट अब जो यहाँ पे दूल्हा होता है उसे जूतों के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं

89. ये 1888 -89 में लिखा गया था मतलब आज से 130 ये प्ले लिखा गया था प्ले इज अबाउटी फैमिलीज इंक्रीजर एस्टेट्स बाई अब ये जो प्ले है वो किसके बारे में है ये उन अमीर फैमिलियो के बारे में है जो की दूसरी अमीर फैमिलियो के साथ रिश्ता बनाती है सीक टाइज मीन कोई भी रिश्ता बनाना चाहती है किस लिए ताकि वो अपना जो भी वेल्थ है वो इंक्रीज कर सके अपना जो भी एस्टेट है जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब में वो लोग एक इंक्रीमेंट कर सकें और उनकी जो इकोनॉमिक स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सके इवान लोमोव अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपन चुबुकोव ऑल्सो वेल्दी कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव ट्वेंटी ईयर ओल्ड डॉटर निस्टालिया अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है इवान लोमोव वो वेल्दी नेबर है उसका एक स्टेपन चुबुकोव ये दो ये दोनों नेबर्स हैं ठीक है दोनों ही बहुत ज्यादा वेल्दी हैं तो अब यहाँ पे जो इवान लोमोव है वो चुबुकोव के पास उसकी डॉटर का हाथ मांगने आता है जो कि 25 फाइव इर्स की है और उसका नाम नतालिया है ऑल थ्री आर क्वारलम पीपल एंड दे क्वारल ओवर पेटी क्वेरल जो तीनों है तीन कौन कौन हो गए स्टेपे चुबुकोव इवान लोमोव एंड द नटालिया ये तीनों ही बहुत ज्यादा क्वारल सम पीपल मीन लड़ाकू लोग कह सकते हैं हम और ये बहुत बहुत ही ही छोटे-छोटे इश्यूज पे, चोटी चोटी पे छोटी-छोटी बातों लड़ाई अब ये जो है, शादी का प्रस्ताव है, वो भूल जाते हैं कि वो शादी का प्रस्ताव लेके आया था एमिट्स मतलब होता है इन सबके बीच में बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल ऑल पर इसमें उन्हें उनका फायदा दिख रहा होता है कि वो इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छे हो सकते हैं अगर उन दोनों मतलब परिवारों का रिश्ता बन जाता है तो इसीलिए वो प्रपोजल को आगे बढ़ने देते हैं पर जो उनकी फाइट होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है फर्स्ट हम इसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि इसमें कितने मेन कैरेक्टर्स हैं। इस चैप्टर में मेनली थ्री कैरेक्टर्स हैं। दैट इज स्टिपेन स्टिपेनोविच चुबुकोव जो कि एक लैंड ऑनर है लैंड ऑनर मतलब जमींदार कह सकते हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है वो नटालिया स्टेपेनोवा हिस्स डॉटर ट्वेंटी फाइव ईयर जो नटालिया है वो स्टेन की डॉटर है जिनकी एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स है इवान वैसेलवि ये जो थर्ड कैरेक्टर है इवेन का ये जो है वो चुबकोव के नेबर है पड़ोसी है अलार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ऑनर जो कि एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बड़े दिल का आदमी है पर उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है घर आता है और उन्होंने एक ड्रेस जैकेट पहनी हुई है और व्हाइट ग्लव पहने हुए हैं मतलब उन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रेस पहनी हुई है और चुबकॉफ जैसे ही उन्हें देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए सो अब इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी देखते हैं ये लोग क्या बात करते हैं और चैप्टर किस तरीके से आगे बढ़ता है माय माय डियर फेलो हुम डू आई आई सी इवान एम एक्सट्रीमली ग्लैड स्क्वीजेस हिज हैंड नाउ दिस इज अ सरप्राइज डार्लिंग हाउ आर यू अब जैसे ही यहां पे वो ड्रेस जैकेट और व्हाइट ग्लव्स पहन के लोमोव आए हैं तो चुबुकॉव जो है वो खड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं अरे आज मैं ये किसको देख रहा हूं इवान वैसेलविच उनका नाम लेते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूं आपको देख के उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं तुमने मुझे कितना अच्छा सरप्राइज दिया है आप कैसे हो जैसे भी जो दो लोग मिलते हैं कोई घर पे आता है तो जो भी ग्रीटिंग्स या प्लेजेंट्रीज हम शेयर करते हैं वो ही यहाँ पे सीन दिखाया गया है लोमोव थैंक यू एंड हाउ मेनी हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन तो वो कहते हैं कि थैंक यू और आप कैसे हैं और आपका जो सब कुछ है सारा कामकाज है वो कैसा चल रहा है चुबकॉ वी जस्ट गेट अलोंग समय थैंक्स टू योर प्रेयर अब वो यहाँ पे चुबकॉफ जो है लोमोव को कहते हैं कि सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है आपकी दुआओं की वजह से आइए बैठ जाइए प्लीज डू नाउ यू नो यू शुडंट फोकॉट ऑल अबाउट योर नेबर्स आपको कभी भी अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए माय डार्लिंग माय डार्लिंग माय एंजल ये जो सब चीजें हैं ये एज अ जैसे हम किसी को प्रिय जो होता है हमसे उनके लिए यूज करते हैं डियर वंस के लिए तो वो यहाँ पे जो चुबकोव है माय एंजल माय डार्लिंग जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं लोमोव के लिए माय डियर फेलो व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप अब यहाँ पे उसने व्हाइट ग्लव्स और ड्रेस जैकेट पहना हुआ है तो चुबकोव पूछते हैं कि तुम इतने फॉर्मली ड्रेस हो के मेरे घर पे क्यों आए हो इवनिंग ड्रेस ग्लव्स एंड सो ऑन तुमने इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है ग्लव्स पहने हुए हैं यूजुअली हम किसी नेबर के घर जाते हैं तो हम एक फॉर्मल ड्रेस नहीं पहन के जाते हम फॉर्मल ड्रेसेस किसी ओकेजन पे पहनते हैं और यहाँ पे बुक ऑफ जब लोमोव को ऐसी ड्रेस पहन के देख रहा है तो वो उनसे क्वेश्चन कर रहा है कैन यू बी गोइंग एनी माय माई ट्रेजर तो वो अब कहते हैं कि क्या तुम कहीं जा रहे हो मतलब मुझसे मिलने के बाद कहीं जाओगे या कहीं और जा रहे हो माई ट्रेजर वापिस से मतलब है कि माई डियर लोमोव

घर जाते हैं ई बहुत ही ज्यादा फॉर्मल ड्रेसेस पहन के तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप न्यू ईयर ई विजिट देने आए हैं लो मूव वेल यू सी इट्स लाइक दिस टेक्स दिसम आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेनो विच टू ट्रेवल यू विद रिक्वेस्ट अब वो यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी देने के लिए आया हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिवलेज Of applying to to you you for help, and you have always so to speak, I I I must ask your pardon. am getting excited. I shall drink some water, Stepan उनके सामने ये प्रपोजल रखने के लिए तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या words यूज करे वो कहता है ki मैं पहले भी आपके पास बहुत बार मुझे ये प्रिवलेज हासिल हुआ है कि मैं आपसे हेल्प मांगू और आपने हमेशा मेरी मदद की है पर वो इन सब बातों को बोलते समय अटक रहा है बार बार वो सॉरी बोलता है पार्डन मीन सॉरी बोलता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है फिर वो उनसे पानी मांगता है पीने के लिए कि क्या वो पानी पी सकता है फिर वो पानी पीने के बाद बोलता है ऑनर्ड स्टिपैन स्टिपेनोविच चुबक बोलते हैं ही इज कम टू बोरो मनी शैंड गिव हिम एनी अब वो मतलब एकदम से साइड में धीरे सी आवाज में बोलते हैं कि जरूर ये पैसे मांगने के लिए आया होगा क्या मुझे इसे पैसे देने चाहिए अलाउड व्हाट इज इट माई ब्यूटी मुझे वो बात बताओ कि तुम किस चीज के बारे में पूछने आए हो ऐसा वो लोमोव से फिर पूछते हैं अंदर ही अंदर तो वही सोच रहे हैं कि वो पैसे मांगने के लिए आए पर फिर वो जोर से बोलते हैं कि तुम किस काम के लिए आए हो लोमोव यू सी ऑन स्टिपेन इच आई बेक पार्डन ऑनर इच आई मीन आई एम ऑफली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स एंड हैव एंड एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस सो so, इस वाले डायलॉग में हम देख सकते हैं कि लोमो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और अब वो वहां पे कहता है की देखिए ऑनर्ड स्ट मतलब ऑनर्स जी देखिए आई बेग पार्डन स्टिपेन ऑनरज मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूँ या फिर मतलब आई एम सॉरी आई मीन मतलब मैं बहुत ही ज्यादा डर की वजह से ऑफली मीन्स होता है भय से एक्साइटेड हूँ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं इन शॉर्ट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इस काम में आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं दो आई डोंट डिजर्व इट मतलब मुझे पता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता मैं इसके लायक नहीं हूँ और right और मुझे मुझे मतलब कोई तरीका भी नहीं है है आप ही की इसमें चाहिए होगी. Assistance means होता आउट वेल oh, well. तो वो कहता है कि तुम गोल गोल बातों को मत घुमाओ जो भी बात है उसे बताओ स्पिट इट आउट मीन्स होता है कि स्पीक द मैटर लोमोव वन मोमेंट दिस वेरी मिनट The fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage. अब uh, वो कहता है कि एक मिनट मतलब मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए शादी के लिए। वो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, जिसका नाम Natalia Stepanovna है। मुझे उससे शादी करनी है। Chubukov joyfully by Joe Ivan Vasilvich said again I didn't hear it at all. वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है Chubukov जो होता है उसका फादर Natalia का और वो बोलता है कि वापस से कहो जो भी तुमने कहा मैंने सुना नहीं लोमोव आई हैव दी ऑनर टू आस्क मतलब मुझे ये पूछते हुए बहुत ही ज्यादा ये प्रपोजल आपके सामने रखते हुए बहुत ही ज्यादा ऑनर महसूस हो रहा है जो इंटररप्टिंग ऑफ इंटरप्टिंग वो बीच में उसका डायलॉग रोक देते माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब वो हाँ कर देते हैं इस चीज के लिए एंड लो मूव और वो उसको मतलब कि गले लगाने लग जाते हैं किस करने लग जाते हैं उसको प्यार दिखाने लग जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सामने वाले ने जो उसकी बेटी का हाथ मांगा है वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं तो इस रिश्ते से उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आई हैव होपिंग फॉर फॉर इट अ लॉन्ग टाइम वो कहते हैं मैं इस चीज की आशा बहुत ही ज्यादा समय से कर रहा था इट्स बिन माई कंटिन्यूअल डिजायर ये मेरी एक इच्छा थी हमेशा से जटियर और इतने में थोड़े से उनके आंसू आ जाते हैं एंड आई हैव ऑलवेज यू और मुझे तुम हमेशा से ही पसंद थे माई एंजल वापिस से यहाँ पे एक यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर माई डियर एज इफ यू वर वाई ओन सन जैसे कि तुम मेरे अपने ही बेटे हो मे गॉड गिव यू बोथ के फादर हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी जुबान भी ऐसे लड़खड़ाने लग जाती है और वो कुछ भी बोल रहे हैं कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था और भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे इतना प्यार तुम्हें मिले और सब कुछ वो मतलब उसको बोलने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं

शांत बी लॉन्ग अब वो ने बोलता है कि ऑफकोर्स माई डार्लिंग मतलब कि तुम्हें उसकी सहमति का इंतजार करना चाहिए और अगर वो अपनी सहमति नहीं देती है तो ये उसका सौभाग्य होगा मतलब फिर वो मतलब यहाँ पे जो नताशा है उसके फादर बोल रहे हैं कि वो एक बहुत ही ज्यादा इस किस्म का कैरेक्टर है कि शी वॉज थर्सडे फॉर लव तो तुम उसे मतलब अपने प्यार में आ, डाल सकते हो और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो अपनी सहमति अगर अभी नहीं देगी तो वेन शील बी इन लव विद यू वो तब अपनी सहमति आपको दे देगी और वो वहां से ऐसा कह के चला जाता है तो लोमोव बोलता है इट्स कोल्ड आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी मतलब कि बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा ठंड है वो कांप रहा है पूरा और उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो कोई एग्जाम देके आ गया है और उसके सामने कोई एग्जामिनेशन पेपर था द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट है उसका जो दिमाग था वो पहले से ही तैयार था इन सब चीजों के लिए इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक अगर मैं अपने आप को समय देता हूँ सोचने के लिए टू हेजिटेट टू टॉक अलॉट टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव आवर गेट मैरिड क्या सोचने के लिए कि मैं बहुत ही ज्यादा इस बारे में सोचू की मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है या फिर इफ आई सर्च फॉर द रियल लव तो ऐसा करने से मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगा

एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी अब वो थोड़ा सा पानी पीता है और उसके लिए इम्पॉसिबल है ये चीज कि वो शादी ना करे इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी थर्टी फाइव सबसे पहली बात कि वो ऑलरेडी थर्टी फाइव साल का मतलब हो चुका है जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल एज है मतलब देखा जाए तो क्योंकि यूजली इतने में शादियां हो जाती हैं इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ दूसरी तरफ मुझे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल शांत और रेगुलर लाइफ जीनी है सफर आई सफर फ्रॉम मैं बहुत ही ज्यादा घबराहट की वजह से यू नो जूझ रहा हूँ आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफली अपसेट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और यूजअली बहुत ज्यादा डर जाता हूँ ऑफली अपसेट मीन्स भय से डर जाता हूँ और उदास हो जाता हूँ एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेवलिंग ऐसे किसी मौके पर मतलब ऐसे मोमेंट पे मतलब मेरे जो होठ हैं वो कांपने लगते हैं एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो और जो मेरी राइट right आईब्रो है उसके अंदर एक ट्विच आ जाता है ट्विच मीन हम कह सकते हैं कि एठन आ जाती है जैसे कि यू you नो know, हम डर जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो तब आती है बट द द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वे आई स्लीप पर जब बहुत ही ज्यादा बुरा होता है तो मेरे पास एक ही तरीका होता है और उस टाइम मैं क्या करता हूँ सो जाता हूँ आई नो सू न गेट इन टू माई बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ वेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिवस अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड आई जम्प लाइक अ लुनाटिक Walk about a bit and lie down again. But as soon as soon I begin to get off to sleep, there is another pull, and this may happen स्ली times. अब ये सब चीजें जो है तो उसको ये अजीब अजीब सी हरकते जो है उसकी बॉडी में फील होने लग जाती है जैसे ही वो सोने जाता है तो उसका यू you नो know, जो लेफ्ट साइड है वो एकदम से वहां पर उसे खिंचाव महसूस होता है और उसके जो शोल्डर है उसके ऊपर और उसके सर के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा सा पुल महसूस होने लग है। और, मतलब और, और वापस आके अपने बेड पे सोता हूँ पर जैसे ही मुझे वापस से नींद आने लगती है मुझे एक और जो अनादर पुल खिंचाव अपनी बॉडी में महसूस होने लगता है और ऐसा कम से कम मुझे ट्वेंटी टाइम्स होता है ये जो सारे चीज है वो जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है डरा हुआ होता है भय से होता है तो ये सारे जो हरकतें हैं वो उसके, उसकी बॉडी में फील होने लग जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा एंगजियस हो जाता है इतने में क्या होता है कि जो नटालिया है स्टेपेनोवा वो रूम के अंदर आती है नाउ नटालिया जो कैरेक्टर है यहाँ पे उसकी एंट्री हुई है लेट सी वट कैरेक्टर इट इज वेल देर इट्स यू एंड पापा सेट गो देर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स हाउ डू यू डू अब बैसिल यहाँ पे आती है और कहती है ओ तुम हो पापा ने मुझे बताया कि एक मर्चेंट आया है एक व्यापारी आया है कुछ सामान लेने के लिए हाउ डू डू आप कैसे हैं इवान बेसिल उनका नाम लेके वो बोलती है लोमोव हाउ डू यू डू ऑनर नटालिया स्टेपेनोवा वो बोलते हैं है कि आप कैसी हैं नटालिया स्टेपेनोवा नटालिया यू मस्ट एक्सक्यूज माई एंड प्रकलिक वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They seat themselves. Won't you have some lunch? तो यहाँ पे नटालिया बोलती है कि आप प्लीज मेरा जो एप्रन है और मेरा जो ये नेगलाइक है नेगलाइक एक ड्रेस होती है जो कि यू नो मतलब कि एक बहुत मुलायम कपड़े से बनी होती है और बहुत ही ढीला दील, सा एक गाउन होता है तो वो कहती है आप प्लीज इस चीज को इग्नोर करना हम जो हैं क्या कर रहे थे शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग जो मटर होती है उसको छील रहे थे सुखाने के लिए आप यहाँ पर बहुत समय बाद आए हैं मतलब ऐसा क्यों क्यों आप इतने समय बाद यहां आए सिट डाउन बैठ बैठ जाइए वो दोनों फिर क्या करते हैं हैं जाते है और उससे कर लिया है नटालिया देन स्मोक तो स्मोक किया है आपने ह्योर आर द मैचेस जो मैच बॉक्स है वो ये रही वेदर इज स्प्लैंडेड नाउ बट वाज सो वेट द वर्कमैन डिडेंट डू एनी थिंग ऑल द डे अब वो कहती है कि जो मौसम है वो आज बहुत ही ज्यादा अच्छा है पर कल मतलब बीता हुआ कल जो होता है येस्टर डे बोलते हैं बहुत ही ज्यादा हुमस था और जो वर्कमैन थे वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए थे सारा दिन हाउ मच है अब यहाँ पे ये लोग जो है वो मतलब लैंड ओनर्स हैं तो इनकी जो लैंड पे काम होता है तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने कितनी सूखी हुई घास हे होती है सूखी हुई घास वो स्टैक कर ली मीन इकट्ठी कर ली है अब इसके बारे में सोचिए मुझे बहुत ही ज्यादा ग्रीडी फील होता है एंड हैड अ होल फील्ड कट मतलब कि पूरी जो फील्ड है वो हमने कट कर ली उसकी सूखी घास हमने कट कर ली पर मैं उसको लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मैं डर रही थी कि वो जो घास है सूखी हुई स्टैक की है जो वो कहीं सड़ ना जाए रोट ना हो जाए आई ऑट टू हैव वेटेड मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था बट वॉट दिस पर ये क्या है वाई यू आर एन इवनिंग ड्रेस आप इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हैं वापस से यहाँ पे लोमोव की ड्रेस नोटिस की गई है वेल आई नवर आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट मतलब ऐसा क्यों है और आप क्या किसी बॉल वगैरह बॉल होता है कि कोई पार्टी हम कह सकते हैं कि उसमें जाने वाले हैं या क्या दो आई मस्ट से यू लुक बेटर तो वो कहती है कि मुझे कह, मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट तो वो पूछती है कि आप बताइए कि आप ऐसे फॉर्मल ड्रेसेस पहन के यहां पर क्यों आए हैं लोमोव बहुत ही एक्साइटेड है वो यू सी नटालिया स्टेप एन वैक्ट इज आई कोल्ड अब लोमोव बोलता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो वो नटालिया को बोलता है कि फैक्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने अपना जो है दिमाग वो बना लिया है और मैं आपसे ये चीज पूछने वाला हूँ जो कि मैं प्रपोजल लेके आया था उस चीज से आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगी हो सकता है कि आप गुस्सा भी हो और फिर एकदम से वो धीरे से बोलता है कि बहुत ही ज्यादा ठंड है what's the matter? और वो बोलती है, well, pause करके, तो वो कहती है कि क्या कारण है तुम यहाँ क्यों आए हो लो मूव आई टू बी ब्रीफ यू मस्ट नो ऑनर माई चाइल्ड ऑफ छोटे में ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानती हैं नटालिया कि मैं अपने बचपन से यू you नो know, जब से आप लोगों को जानता हूँ बहुत ज्यादा समय से आपकी फैमिली को जानता हूँ माई लेट एंड एंड हजब फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड ऑलवेज द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर यदर एंड योर लेट मदर अब वो यहाँ पे ऐसे उसके सामने प्रोपोजल रख रहा है कि मैं आपके पिताजी को बहुत समय से जानता हूँ और जो हमारी मतलब इनहेरिटेड मतलब जो हमें पूर्वजों से जमीन मिली है और आप लोगों की फैमिली के बारे में मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है आपके फादर को आपकी जो मदर जिनकी डेथ हो गई है उनके बारे में मैं उन सबको जानता हूँ मुझे इन सब की नॉलेज है और मौते बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज हूँ कि मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ और आज मैं प्रपोजल लेके यहाँ पे आया हूँ द लोमोव एंड ऑलवेज द मोस्ट फ्रेंडली जो लोमोवस हैं और द चुबकोव हैं वो हमेशा बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हम लोगों में बहुत ही ज्यादा प्यार रहा है एक दूसरे के लिए एंड एज यू नो माई लैंड इज neighbor नेबर ऑफ योर जैसा आप जानती हैं कि जो मेरी जमीन है वो आपकी जमीन की पड़ोसी है यू विल रिमेम्बर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर वुड्स और जैसा कि आपको याद होगा कि मेरा जो मतलब ऑक्सन मीडोज हम कह सकते हैं कि जो घास का मैदान है वो आपके वुड्स बर्च एक तरीके का पेड़ होता है उसका जो जंगल है उसको टच करता है तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो आपकी लैंड है वो हमारी लैंड की नेबर है दोनों एक दूसरे को टच करती है नटालिया एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ नटालिया कहती है पर क्या जो मेरे चरागा हैं या जो मेरे घास के मैदान हैं मतलब कि वो जो है आर दे योर्स क्या वो आपके हैं लोमोव ये माइंड जी वो मेरे हैं Natalia, what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. तो कहते कि नहीं वो जो oxen meadows हैं वो हमारे हैं आपके नहीं लो मोव नो माइन ऑनर नटालिया स्टेप वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो हमारे हैं आपके नहीं है अब यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई है जमीन को लेके नटालिया वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर हाउ डू यू मेक दैट आउट वो कहती कि पहला मुझे ऐसा नहीं पता था आपको ये बात कैसे पता है लोमोव हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोन मीडोज इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बॉन्ट मार्श तो लोमोव कहता है हाउ कैसे मैं उन ऑक्सीन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो कि मतलब कि वेज्ड होता है जब अपन कहीं कोई लकड़ी काट देते हैं खूटा काट देते हैं वहां वो कहाँ पे है आपके जो बर्च वुड्स है और जो आपकी बॉन्ट मार्श बॉन्ट मार्श होती है मतलब कि जैसे जो दलदल है उसके बीच में जो ऑक्सीन मीडोज है वो हमारे हैं नटालिया यस यस दे आर आर्स कहते हैं हाँ हाँ वो तो हमारे हैं

पर मुझे आपकी जो बातें हैं उसमें बिलीव नहीं हो रहा है लोमोव बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स नटालिया वो कहते तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकती हैं ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नोज आर माइंड वो कहते है की हाँ जो ऑक्सन मीडोज है घास के मैदान है वो पहले उनके ऊपर मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था लड़ाई चल रही थी पर अब सभी जानते हैं कि वो हमारे हैं थिंग टू आर्ग्यू अबाउट इस बारे में आर्ग्यू करने जैसा कुछ है ही नहीं आर्ग्यू मतलब बहस करने जैसा यू सी माई ग्रैंड मदर गेव दी यूज ऑफ दीजो इनपीट ऑफ योर ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर वो कहता है कि आपकी जो आपने देखा है कि जो आपकी आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये जो ऑक्सन मीडोज थे वो पीसेंट्स को दिए थे किस को आपके फादर के ग्रैंड फादर को उसके बदले में उन्हें कुछ ईटे बनानी थी उनके लिए दीसेंट्स बिलोंगिंग टू ये किसान थे वो जो कि आपके फादर के ग्रैंड फादर से रिलेटेड थे वो लोग उन मीडोज को फ्री में यूज करते थे फोर्टी ईयर्स तक एंड गॉट इन टू दबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देर ऑन और फिर वो उन्हें इस हैबिट में आ गए थे कि वो उन्हें खुद की ही जमीन कहने लगे थे वेन इट हैपन दैट और फिर जब ऐसा हुआ तो नटालिया एकदम बताते, बताते, no, like नहीं, नहीं, नहीं था बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर रैकंड लैंड एक्सटेंडेड टू बॉन्ट मार्श विच दैट ऑक्सन मीडोज आर्स तो वो कहते हैं कि नहीं जो फादर थे और जो ग्रैंड फादर थे और जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे दादाजी और परदादाजी थे उन्होंने ये जो जमीन थी वो एक्सटेंड कर दी थी बर्न मार्च तक उस दलदल तक इसका मतलब ये था कि जो, थी, जो उनके बीच में थी, करने जैसा नहीं देखती हूं, ये बहुत ही ज्यादा सिली है बेवकूफाना है नोमो आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया तो वो कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा नटालिया नटालिया नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी तो कहती है कि नहीं तुम मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो कहती है ये कितना ज़्यादा है 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 कि हमारे पास जो जमीन है, वो पिछले 300 सालों से हमारे पास पास जो ज़मीन वो पिछले सालों से और अब तुम सडनली आके बोल रहे हो कि वो हमारी नहीं है आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है दीज वर्थ मच टू मी ये जो मीडोज हैं ये मेरे इतने ज्यादा वर्थ नहीं है मतलब कि इतना ज्यादा कीमती नहीं है दे ओनली कम टू फाइव एंड वर्थ डिस हंड्रेड राउबल्स वो कहती है कि उनकी कीमत जो है वो भी इतनी नहीं है उनकी कीमत सिर्फ थ्री हंड्रेड राउबल्स ही है बट आई कॉन्ट स्टैंड अनफेयरनेस पर मुझसे ये जो अनफेयरनेस है ये जो ना इंसाफी है वो बर्दाश्त नहीं होती है से वॉट यू विल मतलब उसकी जो कीमत है वो इतनी नहीं है पर आप जो चीज बोल रहे हैं कि वो आपकी है ऐसा नहीं है ये गलत चीज है और ये मैं बर्दाश्त

किसान थे आपके फादर के ग्रैंडफादर के जैसे कि मैं आपको स्टोरी बता चुका हूँ वो बेक करते थे ब्रिक्स ईटे बनाते थे मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए नाउ माई एंट ग्रैंड मदर तो जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी विशिंग मेक विशिंग टू मेक देम प्लेजेंट वो अपनी बात आगे कंटिन्यू ही कर रहा होता है इतने भी नटालिया उन्हें टोक देती है आई कैन मेक हेड और टेल ऑफ ऑल ऑल दिस अबाउट एंड एंड ग्रैंड मदर्स द मीडोज आर दैट्स तो कहती है इस कहानी की कोई भी सर पैर नजर नहीं आता है तुम्हारी आंट का ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जो भी है पर ये जो मीडोज हैं ये हमारे हैं दैट्स ऑल लो मूव माइंग वो कहते नहीं हमारे हैं नटालिया आर्ट यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर टू डेज ऑन एंड

टालिया स्टेपनोवाई डीडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल तो वो कहता है कि नटालिया मुझे मीडोज नहीं चाहिए पर मैं कुछ प्रिंसिपल्स पे एक्ट कर रहा हूँ इफ यू लाइक आई मेक यू अर प्रेजेंट ऑफ देम और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो गिफ्ट में दे सकता हूँ नटालिया आई कैन मेक यू अर प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइंड वो कहते हैं कि वो तो मैं आपको भी गिफ्ट में दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरे है योर बिहेवियर इवैन इज ट्रेंज टू से लीस्ट आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। अब तक हम आपको बहुत ही ही ज़्यादा अपना एक एक अच्छा पड़ोसी मानते मानते थे, एक दोस्त थे। दोस्त पिछले साल ही हमने आपको अपनी थ्रेशिंग मशीन जो मतलब कि थ्रेशिंग मशीन होती है जो फसल काटने के लिए काम आती है वो वाली मशीन हमने आपको किराए पर दी थी हमारे जो संबंध है आपके साथ वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे ऑल दो ऑन नवंबर और उसकी वजह से हमें हमारी खुद की जो थ्रेश की प्रोसेस थी, वो नवंबर तक टालनी पड़ गई थी बट यू बिहेव टूर गिप्सीज पर आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम गिप्सीज हैं गिप्सीज होते हैं की जो बहुत ही ज्यादा वेल well मैनर्ड नहीं होते हैं और यू you नो know, बहुत बिखरे हुए हालात से होते हैं जंगली टाइप के होते हैं हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं गिविंग मी माई ओन लैंड आप मुझे मेरी ही जमीन दे रहे हैं जैसी हरकत बिल्कुल भी नहीं है इन माइपिनियन इट्स इम्प्यूडेंट इफ यू टू नो और मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा इम्प्यूडेंट है इम्प्यूडेंट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बेहूदा है और बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लोमोव देन यू मेक आउट दट एम अ लैंड क्रैब मतलब वो कहता है तो क्या आप मतलब ऐसा कहना चाहती है कि मैं एक जमीन हड़पने वाला हूँ मैडम नेवर इन माय लाइफ हैनी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो वो कहता है कि मैंने मेरी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी किसी की जमीन हड़पी नहीं है ना ही मैं ऐसा कोई भी एक्यूज मतलब ऐसी कोई भी अपने ऊपर अक्यूज लगाना ब्लेम वो लेने के लिए तैयार हूँ क्विकली स्टेप्स टू द द्राफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर तो वो एकदम से यू you नो know, थोड़ा सा और पानी पीता है ऑक्सिन मीडोज आर माइंड और बोलता है कि जो ऑक्सिन मीडोज हैं वो हमारे ही हैं इन दोनों के बीच में बहुत बुरी अपनी लैंड को लेके लड़ाई हो गई है एज वो यहाँ पे उसके सामने एक प्रपोजल रखने वाला था कि भाई जो मतलब कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं आपसे आपका हाथ मांगने आया था बट ऑल ऑफ अ सडन जो सारा डिस्कशन है वो इस लैंड के ऊपर आ गया है कि जो लैंड है उसका ऑनर जो है वो कौन है और दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छे लैंड ऑनर्स दिखाए गए हैं न्याया इट्स नॉट ट्रू दे आर देर्स अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उनकी लड़ाई चल रही है वो कह रही है कि नहीं वो लैंड हमारी है लोमोव कहता है कि नहीं हमारी है इट्स नॉट ट्रू आई प्रूव इट मॉवर्स आउट टू दिस वेरी डे वो कहती है कि नहीं ये सच नहीं है मैं अपने जो मॉवर्स हैं उन लोगों को मीडोज पे भेजूंगी आज की आज और आपको ये चीज प्रूफ करूंगी व्हाट क्या नटालिया माय मॉवर्स विल बी देयर दिस वेरी हाँ वो कहती है कि जो मेरे मूवर्स हैं जो घास काटने वाले हैं उसको मैं आज ही आज वहां पे भेजूंगी और उन्हें कहूंगी कि ये पता लगाएं कि ये लैंड किसकी है और मैं ये आपके सामने प्रूव करूंगी लो मूव आई विल गिव इट टू देम इन द नेक मैं उनको बहुत ही ज्यादा मतलब वो कहता है कि मैं उन्हें मारूंगा उनकी गर्दन पे नटालिया यू डेयर तुम्हारी इतनी हिम्मत लो मूव क्लचेस एट हिज हार्ट ऑक्सन मीडोज आर माइन यू अंडरस्टैंड माइन तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब चिल्ला के ये चीज बोलता है कि जो ऑक्सन मीडोज है वो हमारी है और सिर्फ और सिर्फ हमारी है नटालिया प्लीज डोंट शाउट यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस बट बटर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ वो कहती है कि तुम चिल्लाओ मत यहाँ पे अगर तुम्हें चिल्लाना है तो तुम अपने घर पे जाके चिल्लाओ पर मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं चिल्लाने दूंगी और मैं यहाँ पे तुम्हें रिस्ट्रेन करती हूँ रिस्ट्रेन मतलब रोकते हैं हम किसी चीज को तो मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं, नहीं चिल्लाने दूंगी लोमोव इफ इट वॉजेंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पेलपिटेशन इफ माई होल इन साइड वॉजेंट अपसेट आई वुड लाइक टू ट यू इन डिफरेंट वेडोज आर माइंड तो वो यहाँ पे कहता है कि ऐसा नहीं है वो आ, मतलब मैं आपके ऊपर नहीं चाहता था पर मैं अभी क्या है बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ हूँ मतलब मेरे अंदर बहुत डर है Excruciating मीन्स होता है बहुत ही कष्टदायी है और palpitation मीन्स होता है कि जैसे हम बोल सकते हैं कि घबराहट या धड़कन मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उस टाइम पे तो वो कह रहा है कि दिस इज वेरी एक्सक्रूशियटिंग पेल्पिटेशन की अगर मेरा अंदर इतनी ज्यादा अपसेट मैं इतना उदास नहीं होता इतना घबराया हुआ नहीं होता तो मैं आपसे बहुत ही अलग तरीके से बात करता और फिर वो लास्ट में बोलता है कि ऑक्सन मीडो जो है वो हमारे हैं सो इन दिस वीडियो अब तक हमने देखा कि इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में वो उसके फादर से बात करता है उसका फादर बहुत ज्यादा खुश है इस प्रपोजल को लेके उसकी बेटी को भेजता है पर यहाँ पे देखते हैं कि हम नटालिया और लोमोव के बीच में एक बहुत अजीब सी फनी फाइट हो गई है उनकी दोनों की लैंड को लेके वो नेबर्स हैं पर एक जो लैंड का पोर्शन है दैट इज दी मीडोज वो किसकी लैंड है ये इन दोनों पे अपना हक दिखा रहे हैं कि वो कहता है ये मेरी है और वो कहता है ये मेरी है सो so लेट्स कि इनकी ये जो फाइट है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है और इनका जो प्रपोजल है शादी का इनकी शादी आगे हो पाती है या नहीं हो पाती है तो नटालिया पे फिर से उनकी फाइट चल रही है वो कह रहे हैं मेरी है वो कहता है नहीं हमारी है नटालिया फिर कहते हैं नहीं हमारी है हमारे बच्चों की तरह वो लोग लड़ रहे हैं और एक क्वारल यहाँ पे चल रहा है इतने में चुबुकॉव जो है नटालिया के फादर वो वहाँ पे आ जाते हैं चुबुकॉव व्हाट्स द मैटर व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर तो कहते हैं कि क्या कारण है तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो क्या रीजन है नटालिया पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज वी और ही तो कहती है पापा प्लीज इसे बताओ कि जो ऑक्सन मीडोज है उनका ऑनर कौन है ये है या हम है चुबुकॉव डार्लिंग द मीडोज आर आर्स तो वो लोमोव को बोलते हैं कि डार्लिंग जो मीडोज हैं वो हमारे हैं बट प्लीज हाउ कैन बी दे योर्स तो वो कहते हैं कि प्लीज वो आपके कैसे हो सकते हैं डू अ रीजनेबल मैन एक कारण वाले आदमी बनिए मतलब एक समझ वाली बात कीजिए आप माई आंस ग्रैंड मदर गिव मीडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीसेंट

तो वो कहते हैं तो यहाँ पे चुबकोव जो है वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी माय डियर आप भूल रहे हैं शायद कि जो पीसेंट्स थे वो आपकी ग्रैंड मदर को पे नहीं करते थे वो सब कुछ क्योंकि जो वो मीडोज थी वो डिस्प्यूट में थी उनपे लड़ाई चल रही थी एंड माय एंड नाउ एवरीबडी नोज देआर और अब सब ये बात जानते हैं कि वो हमारे हैं इट मीनस दैट यू हैवन सीन प्लान इसका मतलब शायद ये है कि आपने जो प्लान है वो नहीं देखा

जिस वॉइस में तुम मुझसे बात कर रहे हो वैसी वॉइस में मैं तुमसे बात करने का आदि नहीं हूँ आई यंग मैन एम योर एज मैं तुमसे तुम्हारी एज का डबल हूं मतलब जैसे मैं तुमसे इतना ज्यादा बड़ा हूं एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजुटेटिंग योर सेल्फ एन ऑल दैट और मतलब कि तुमसे इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो ना ही मैं तुम्हें ऐसे बात करने दे सकता हूं मुझसे स्ट थिंग एम फुल्ड वॉन्ट टू हैव मी ऑन यू कॉल माई लैंड योर्स एंड देन यू वॉन्ट बी टू टॉक टू यू खामली एंड पोलाइटली वो कहता है कि आपने क्या मुझे पागल समझा है क्या आप मेरी जमीन को अपनी जमीन बताओगे और फिर आप मुझसे ये भी चाहते हो कि मैं आपसे बहुत ही शांति से और प्यार से बात करूँ गुड नेबर डोंट बिहेव लाइक दैट स्टीपन स्टैनो यू आर नॉट अ नेबर यू आर अ ग्रैबर तो वो कहता है कि जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं स्टपैन और आप एक अच्छे नेबर नहीं है आप एक ग्रैबर है ग्रैबर मीन्स किसी चीज को हड़प लेते हैं आप वो हैं

लो मूव, सी, आई हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई शो यू वो कहता है कि ठीक है ये जो मैटर है मैं इसे कोर्ट तक लेके जाऊंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा चुब कॉफ टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू कैन आई नो यू यू आर जस्ट ऑन दुकआउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू पैटी फॉर् ऑल यूर पीपल वो लाइक दैट ऑल ऑफ दे तो अब यहाँ पे जो चुबकॉव है वो कहते हैं कि तुम इस को कोर्ट में लेके जा, जाना चाहते हो तो तुम ले जा सकते हो मैं तुम लोगों को जानता हूँ तुम लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढते हो कोर्ट तक जाने का यू पेटिफोगर पेटिफोगर होता है मतलब कि तुम बेईमान हो और तुम जितने भी तुम्हारे जैसे लोग होते हैं वो सब बेईमान होते हैं और तुम सब बेईमान हो लोमोज नेवर माइंड अबाउट माई पीपलोज है बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंड फादर तो कहते हैं कि आप इस बात का बुरा मत मानिए बट मेरे जो सारे लोग हैं, मतलब हमारा जो वो है कंट्री है वो सभी बहुत ऑनरेबल पीपल हैं, सभी हमारा समाज बहुत ऑनरेबल है और किसी ने भी हमारे में एम्बेजलमेंट ऐसी कोई भी किडनेपिंग करने की कोशिश नहीं की किडनेपिंग मीन जो लैंड ग्रैप करने की कोशिश नहीं करी है जैसे की आपकी ग्रैंड फादर ने की थी

ड्रिंक किया करते थे एल्कोहल और जो तुम्हारी यंगर आंट थी वो एक आर्किटेक्ट के साथ मतलब कि इलोप हो गई थी भाग गई थी लो मूव एंड योर मदर वॉज हम्प बैक तो लोगो बोलते है कि अच्छा और जो तुम्हारी मम्मा उनकी बैक हम्प बैक थी हम्प बैक मीन होता है जिनकी जो कमर होती है उसके ऊपर कुब निकला हुआ होता है वो कहती है कि वो तो वैसी थी समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वॉटर और वो बहुत ज्यादा एंक्स हो गया इस लड़ाई के अंदर तो कहते हैं कुछ मेरे दिमाग में अजीब सा हो रहा है मुझे मदद करो मुझे पानी दो चुप ऑफ योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर तो कहते हैं कि तुम्हारे जो मतलब वो उसकी बात नहीं सुन रहे अभी भी वो जो तुम्हारे फादर थे वो एक बहुत ही बड़े जुआरी थे नटालिया एंड देयर है और वो कहती है कि इतने ज्यादा तुम लोग धोखा देने वाले थे बैक बाइटर्स मतलब बैक uh, बाइटर्स यही होते हैं जो आपको धोखा देते हैं उनके बराबर थे आप लोगों ने इतने ज्यादा धोखे दिए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है चुभकॉफ माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप यू आर एन इंट्रीगर ओ माई हार्ट एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्री आई कैन सी स्टार्स वे माई हैट अब यहाँ पे जो चुबकॉफ है बिल्कुल बुरी तरीके से गुस्सा हो चुका है और वो कहता है कि जो मेरा लेफ्ट फुट है वो स्लीप पे चला गया जैसे हमारा सो जाता है उस तरीके से और उसका जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान सा हो गया है और वो उसको फिर भी मतलब उससे लड़ रहा है और कह रहा है कि ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि जो लास्ट इलेक्शन में तुमने क्या किया था और कह रहे मुझे तारे दिखने लग रहे हैं मेरी हैट कहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चुबुकॉफ की एकदम से तबियत जो है वो खराब होने लगी है नटालिया इट्स डिसऑनेस्ट इट्स मीन वो कहता है कि बहुत ही ज्यादा तुच्छ बात है बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमानी वाली बात है और ये बहुत ही मीन तरीके की बात है चुपकॉफ एंड यू आर जस्ट अ मेलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीगर यस तो यहाँ पे चुबका बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब कि मालिशियस मालिशियस मीनस होता है कि दुर्भावनापूर्ण हो डबल फेस्ड इंट्रीगर हो मतलब कि दो फेस्ड हो तुम लोगों का एक फेस नहीं है इंट्रीगर मतलब होता है कि आपका एक फेस बहुत अच्छा है एक बहुत बुरा है यस yes, लोमोव ज माई हैट माई हार्ट विच वे विस्ट द डो और आई थिंक आई एम डॉइंग माई फुट क्वाइट नम अब कहता है कि ये रही मेरी हैट और मेरा दिल और मुझे कहाँ जाना है दरवाजा कहाँ पर है और मैं मरने वाला हूँ और मेरा जो पैर है वो एकदम से नम्ब हो गए हैं लड़ाई की वजह से उन लोगों में बहुत ही ज्यादा एंगजाइटी आ गई है एंगर आ गया है और उनकी बॉडी में ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं फॉलोइंग हिम एंड डोंट सी फुट इन माई हाउस अगेन सेट फुट इन माई हाउस अगेन और चुब गुस्से में बोलता है कि आज के बाद मेरे घर में कदम मत रख देना लोमोव स्टैगर्स आउट लोमोव एकदम से बाहर चला जाता है चुबुको डेविल टेक हिम वो कहते हैं कि भगवान इसे उठा लो शैतानी से ले जाए नटालिया व्हाट्स अ रास्कल व्हाट ट्रस्ट कैन हैव वन इन वनस नेबर्स आफ्टर दैट वो कहती है कि ये कैसा रास्कल था कितना ज्यादा बुरा आदमी था और कैसे कोई अपने नेबर्स पे ट्रस्ट कर सकता है चुप द विलन द स्कैर क्रो मतलब यहां पे वो उन्हें बहुत ही ज्यादा अब्यूज कर रहे हैं नटालिया मॉन्स्टर राक्षस है फर्स्ट ही टेक्स आर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अस वो कहते हैं कि सबसे पहले तो वो हमारी लैंड ले, ले लेते हैं और फिर उसके बाद स इम्प्यूडेंस बीस होता है तो नटाले यहाँ पे बोलती है कि सबसे पहले तो वो हमारी जमीन ले रहा है और दूसरी चीज उसकी इतनी बेहद देखो कि वो हमें अब्यूज भी कर रहा है हमारी जमीन को हमारा बोल रहा है खुद का बता रहा है और फिर हमें अब्यूज भी कर रहा है चुप कहो एंड देट ब्लाइंड है

कि आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया चुबकॉव सो ही उसने evening clothes में मतलब evening dress पहनी हुई थी बहुत ज्यादा फॉर्मल था और और फिर चुब, चुबकॉफ जो है वो उसे स्टफ्ड सॉसेज बोलता है स्टफ्ड सॉसेज हम कह सकते हैं सॉसेज एक ऐसी खाने की चीज होती है जिसके अंदर मीट जो होता है वो भरा हुआ होता है और फिर वो उसे वाइजन फेस्ड

और तुम इतनी परेशान क्यों हो और फिर वो बहुत ही ज्यादा उसके सर पे हाथ वगैरह लगा के देखता है और वो एक तरीके से मतलब परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने आप को शूट कर लूंगा अपने आपको फांसी पे लटका लूंगा ये मैंने उसकी वजह से क्या किया नटालिया आई एम जाइंग फैच वो कह रही है मैं मरने वाली हूँ प्लीज उसे वापस लेके आओ चुब कौव चुफ एट वस डोंट वो कहती है वो चुब कहता है नटालिया को कि एक बार के लिए शांत हो जाओ वे फालतू में चिल्लाओ या शोर मत मचाओ

तो वो कहता है कि तुम ही उससे बात करना मैं उससे बात नहीं करना चाहता नजालिया फिर से वेल करती है फेच है मतलब और ज्यादा जिद कर रही है और कह रही है उसे वापस लेके आओ चुबकॉग येल्स ही इज कमिंग आई टेल यू ओ वॉट अ बर्डन लॉट टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर I'll cut my throat. I will indeed. We cursed him, abused him, drove him out, यू यू अब जो हाँ पे चिल्लाता है जोर जोर से और बोलता है कि आ रहा है भाई वो आ रहा है मैंने कह दिया है ना तुम्हें और ये किस तरीके का एक बोझ मेरे सर पे है भगवान कि मैं एक ग्रोन अप डॉटर का एक भर्ती हुई बेटी का पिता हूं और उसकी जो ये म, मतलब इच्छा है अब मैं कैसे पूरा करू क्योंकि पहले उसी ने उनसे कर्ज करके और मतलब बुरा बुरा बोल के भगाया था सब कुछ नतालिया की वजह से और अब जो है नतालिया ही उसे वापस बुलाने की जिद कर रही है जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि उसमें बोलते हैं कि शी इज यू नो अ वेरी हंग्री फॉर लव शी वॉन्ट्स लव सो जैसे उसे पता चलता है कि वो उसे प्रपोज करने आया था ऑल ऑफ अ सडन जैसे उसने उसको करके भगाया था वो उससे उसे बुलाने की जिद करती है नो इट वॉज यू ना कहती है कि नहीं मैंने नहीं भगाया आपने भगाया था चुबकोव आई चैल यू इट नॉट माई फॉल्ट तो चुब बोलता है कि मैं कह रहा हूं मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है लोमोव अपियर्स एट द डोर अब लोमोव इतने में ही वापस से दरवाजे पे आ जाता है Now you talk to him और वो कहता है फिर चुबुकोव आई टेल यू इट्स नॉट माय फॉल्ट लोमोव अपीयर्स एट द डोर ना यू टॉक टू हिम योर सेल्फ अब से यहाँ पे यही हुआ है वो वहां से चला गया है सो लोमोव एंट्री लेता है बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड है परेशान है वो माई हार्ट पेल्पीटेटिंग और फुल माई फूट गॉन

थोड़ा सा उस टाइम you know, मुझे याद आ गया है घास के मैदान है लोमोव माई हार्ट बीटिंग ऑफ फुल माई मीडोज माई आई ब्रोज आ बोथ ट्विचिंग अब लोमोव है यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है गुस्से में है और वो बोल रहा है कि मेरा दिल बहुत जोर से भय की वजह से धड़क रहा है और मेरे जो घास के मैदान थे और मेरी जो आईब्रोज थी वो दोनों ही एट चुकी है मतलब तो यहाँ पे वो कुछ भी बोल रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में अभी है नटालिया द मीडो आर योर्स यस योर्स डू सीट डाउन दे वी वर रॉन्ग अब नटालिया यहाँ पे एकदम से पहले तो वो बोल रही थी नहीं वो हमारी ही है और ऐसा है वैसा है पर अब यहाँ पे वो बोल रहे नहीं, नहीं नहीं वो तो तुम्हारी ही है जैसे उसे पता चला कि वो उसे प्रपोज करने आया था पर वो ओफेंड होके वापस चला गया है तो दोनों वहां पे वापस से बैठ जाते हैं और वो बोलती है कि हाँ हम लोग गलत थे लो मूव बड़े जमींदार हैं हमारे लिए वो इतना नहीं रखता पर ये जो बात थी ये सब प्रिंसिपल के ऊपर बात थी कि भाई झूठ बोलना अनफेयरनेस जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है लिटा लिया ये प्रिंसिपल जस्ट सो नाउ लेट स्टॉक ऑफ समथिंग एल्स कहती है हाँ हाँ आदर्श जो होते हैं वो होते हैं अब हम इसके बारे में नहीं बात करते अब हम कुछ और बात करते हैं so, evidence, थे, उन्होंने ये जो जमीन थी वो आपके पापा के ग्रैंड फादर को दी थी पीसेंट्स को काम करने के लिए वहां पे यस यस लेट दैट पास तो कहते हैं हाँ हाँ उसको साइड में रखो अभी बात नहीं करनी उसके बारे में आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड आई यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सुन अब वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वो बात प्रपोज वाली स्टार्ट करे तो वो उसे बोलती है कि क्या तुम शूटिंग पे जाने वाले थे जल्दी ही लो मोव आई एम थिंकिंग ऑफ है ब्लैकोवा हार्वेस्ट अब वो बोलता है कि हाँ मैं ब्लैक कॉक पे जाने वाला था ऑनर्ड नटालिया स्टेपेवा पर हार्वेस्ट के बाद जब भी मतलब कि ये जो सारी फसल वगैरह कट जाएंगी इन सब चीजों के बाद ओ है थिंक वॉट अर्च्यून आई है गैस हु यू नो है लेम वो कहता है कि अरे तुमने सुना मतलब मेरी किस्मत देखो कितनी बुरी है कि जो मेरा डॉग है वो जो है गॉन लेम वो पागल हो गया है नटालिया वॉट आर पिटी वाई तो कहती है की बहुत ही दुख की बात है क्यों नोमो आई डोंट नो मस्ट है वो कहती है की लोमोव कहता है कि शायद कोई दूसरे डॉग ने उसका जो पैर है वो काट लिया या फिर ट्विस्ट कर कुत्ता था और इसको लेने के लिए मैंने मीनो रॉव को वन ट्वेंटी दिए थे Natalia, much, even, तो वो कहती है कि अरे ये जो रकम है वो तो बहुत ज्यादा है लोमोव आई थिंक इट वॉज वेरी चीप हि इज फर्स्ट रेट डॉग वो कहता है कि नहीं इतनी ज्यादा नहीं है वो जो डॉग है वो फर्स्ट डॉग है बहुत ही हाई ब्रिड का है Natalia, पापा 85 squeezer squeezer heaps, तो यहाँ पे नटालिया बोलती है कि पापा ने एटी फाइव प्रॉबल्स दिए थे स्कूजर के स्कूजर उनके डॉग का नाम है और जो स्क्विजर है वो बहुत बहुत ज्यादा बेटर है गेस से

अब वो यहाँ पे कहता है कि ऑबवियसली कि वो मतलब नटालिया बोलती है कि वो बेटर है वो यंग है और वो वॉलेंच ये यह यहाँ पे जो वॉलचेंस की है उससे बहुत ही ज्यादा बेटर है जितनी क्वालिटीज स्क्वीजर में है वो वॉलचेंस की में नहीं है वॉलचैनस्की में नहीं है लोमोम एक्सक्यूज मी नटालिया स्टेपेनोवा बट यू फॉरगेट दैट ही इज ओवरशॉट एंड एन ओवरशॉट ऑलवेज मींस द डॉग इज अ बैड हंटर तो वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी आप भूल रही हैं शायद कि वो ओवर शॉर्ट है और एक जो ओवर शोर्ट शॉर्ट डॉग होता है वो हमेशा एक बैड हंटर होता है बुरा शिकारी होता है नटालिया ओवर शॉर्ट इज ही द फर्स्ट टाइम आई हेर इट तो वो कहता है ओवर शॉर्ट और वो पहली बार मैं ऐसा सुन रही हूँ लोमोव आई अशोर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो उसका लोअर जॉ है वो उसके अपर जॉ से लोअर जॉ छोटा है

तो so, वो कहती है कि सबसे पहली बात तो हमारा जो ब्रीजर है स्क्वीजर है वो एक थॉरो ब्रिड एनिमल है तो यहाँ पे वो जो स्क्वीजर है वो हार्नस और चुसेल की ब्रीड है और उसका मुकाबला तुम्हारे पेडिग्री डॉग से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और इतना ज्यादा बदसूरत दिखता है जिस तरीके से जो हो चुका होता है, वैसा वो दिखता है तो हाँ बेशक वो ओल्ड है पर उसके बदले में फाइव स्क्वीजर्स भी नहीं लू वाई हाउ केन यू गेस इज अ डॉग एज फॉर स्क्वीजर वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू तो कहते हैं कि क्यों मतलब ऐसा आप कैसे कह सकते हो गेस एक है। as for squeezer, squeezer भी। well, it's funny to argue, मतलब ये बहुत ज्यादा फनी है करने करने के लिए, बहस करने के लिए, लिए। बहस like मतलब कि कोई भी कोई भी जिसे आप पसंद करते हो उसके पास एक डॉग होगा इतना ही बेहतर जितना कि स्क्वीजर है यू मे फाइंड दम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट और जो स्क्वीजर्स हैं, लोमोव बोल रहा है कि स्क्वीजर्स हैं, जो वो हर बुश के नीचे आपको मिल जाते हैं। बुराई कर रहा है। एक उनका डिस्प्यूट होता है, उसके बाद अब इनका जो डिस्प्यूट है वो डॉग्स के ऊपर स्टार्ट हो गया पहला वाला लैंड के ऊपर था नटालिया देर इज डीमन ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन इन यू टूडे तो वो कहती है कि मुझे लगता है you know, राक्षस बढ़ गया है तुम हर एक बात को कॉन्ट्रोडिक्ट जा रहे हो

क्यों कहना चाहते हो कि वो ऐसा नहीं है लो मोव आई सीलियन दट यूर मीदर ब्लाइंड शॉर्ट तो वो कहता है कि नटालिया तुम मतलब की मुझे एक बिल्कुल बेवकूफ और अंधा क्यों समझ रही हो तुम्हें ये रियलाइज होना चाहिए कि जो स्क्वीजर है वो ओवर शॉर्ट है ओवर शॉर्ट है मतलब बेफालतु में उसकी बहुत ज्यादा मतलब हवा में है कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा होता है पर वह एग्जैक्टली अच्छा नहीं होता है नटालिया इट्स नॉट ट्रू ऐसा नहीं है ही इज वो कहता है हाँ ऐसा ही है नटालिया इट्स नॉट ट्रू ये सही नहीं है वह शाउट मैम लोमो बोलता है कि आप चिल्ला क्यों रही हो मतलब वो चिल्लाने लग जाती है वापस से टॉक रॉट तो कहती है तुम इतनी बकवास सड़ी हुई बात है क्यों करो इट्स ऑफ फुल बहुत बुरा है इट्स टाइम योर गैस वॉज शॉर्ट एंड यू कम्पेयर हिम द स्क्वीजर तो कहती है कि मतलब तुम्हारा जो गैस है वो बहुत मतलब अब की बार जो तुम्हारा टाइम है वो गैस के ऊपर है पहले तुम लैंड के बात कर रहे थे और अब तुम गैस के ऊपर बात कर रहे हो और तुम उसे स्क्वीजर के कंपेयर कर रहे हो कहता है ये डिस्कशन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता मेरा जो दिल है वो बहुत जोर से धड़क रहा है no तो वो कहती है कि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो लोग जो हंटर्स होते हैं जो शिकारी होते हैं वो आर्ग्यू ज्यादा करते हैं जिन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा कम होती है लो मूव, मैम प्लीज बी साइलेंट माई हार्ट इज शांत हो चुका है अप और नजरा पे चिल्लाता है मैं तब तक चुप नहीं होंगे जब तक तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि जो स्क्वीजर है वो सौ गुना बेटर है गैस से लोमोव टाइम्स वर्स बी हैंग टू योर स्क्र शोल्डर तो कहता है कि वो सौ गुना अच्छा नहीं है वो सौ गुना और ज्यादा बुरा है उसकी आंखें नाक शोल्डर वोल्डर सब बहुत ही ज्यादा बुरे हैं इज नो नीड टू हैंग योर सिली ही इज हाफ डेट ऑलरेडी तो वो कहती है कि तुम्हारे उस सिली से गैस को हैंग करने की भी जरूरत नहीं है वो ऑलरेडी आधा मर चुका है लोमो वीप्स शार्ट अप माई हार्ट इज बर्स्टिंग तो वो कहता है कि चुप हो जाओ मेरा जो दिल है वो बहुत जोर से धड़क रहा है और टूट चुका है बिल्कुल नटालिया आई शट अप कहता है कि मैं चुप नहीं वापस से आ जाता है चुपको कहता है व्हाट्स द मैटर नाउ पहले तो लड़ाई हो ही रही थी लैंड के ऊपर बोलता है अब किस बात पे लड़ाई हो गई तुम्हारी नटालिया पापा टेल अस ट्रूली व्हिच इज द बेटर डॉग आज स्क्वीजर और हिज गैस तो बोलती है कि आप ही बताओ पापा की कौन सा डॉग जो है वो बेटर है स्क्वीजर या गैस लो मोस्ट डिपेंड्स आई एम्प्लॉय यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग इज योर स्क्वीजर ओवर शॉट और नॉट Yes or no? अब जो आपका है, वो है या नहीं है हाँ नाम सिर्फ इस चीज का जवाब सो ऑन वो कहते है सपोज वो है भी तो इससे फर्क क्या पड़ता है वो बेस्ट डॉग है पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोमो बट इज इन माई गेस्ट बेटर रियली नाउ तो वो कहते हैं कि पर क्या मेरा जो गेस्ट है मतलब की जो मेरा डॉग है गेस्ट वो बेटर नहीं है अभी जो बुक ऑफ डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीशियस वन अलाउ मी योर गैस सर्टेनली हैज इज गुड पॉइंट्स तो कहते हैं कि मुझे यू नो एक्साइट मत कर मतलब मुझे इतना ज्यादा परेशान मत कर लो मुझे पता है कि तुम्हारा जो गैस है उसके बहुत ही ज्यादा गुड पॉइंट्स हैं मतलब उसमें भी बहुत सारी खूबियां हैं ही इज प्योर ब्रीड वो बहुत ही ज्यादा प्योर ब्रीड है फर्म ऑन हिज फीट उसके फीट से बहुत ज्यादा फर्म है हैज वेल स्प्रंग रिब्स उसके जो रिब्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हैं उसके जो फीट है वो बहुत ज्यादा फर्म है और उसके जो रिब्स है वो बहुत वेल well स्ट्रॉ है उसके गुड पॉइंट पर अगर तुम सच जाना चाहते हो द डॉग हैजू डिफेक्ट उस कुत्ते में दो डिफेक्ट्स होते हैं ही इज ओल्ड एंड ही शॉर्ट इन द म्यूजल एक तो वो बूढ़ा है और दूसरा म्यूजल मीनस होती है कि जो उसके नाल का मुंह होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है <laughs>

विपर था मतलब कि विपर होता है जो कौड़े से मारते है ना तो वो मारने वाला होता है उसने उसको चाबुक से से मारा था था इस वजह वो पीछे रह गया था। लो एंड विद गुड रीजन द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट वरिंग अ शीप तो वो कहता है कि सबसे अच्छा रीजन तो ये था कि जो डॉग्स होते हैं वो एक फॉक्स के पीछे भाग रहे थे जबकि आपका जो स्क्वीजर है वो एक शीप के बारे में सोचने लग गया था मतलब कि यूजुअली जो हमारे डॉग थे वो गुड हंटर है वो फॉक्स के पीछे भाग रहे हैं बल्कि जो आपका स्क्वीजर है वो शीप के पीछे भाग रहा था शु इट्स नॉट ट्रू माई डियर फेलो आई एम वेरी लियाबल टू लूज माई टेम्पर एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट स्टॉप आर्ग्यूइंग तो वो कहता है कि ये सच नहीं है फेलो और मैं बहुत ही इजीली अपना टेम्पर लूज कर देता हूँ मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इसीलिए मैं ये आर्ग्यू आगे नहीं करना चाहता हूँ यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलेस ऑफ एवरीबडीज एल्स डॉग्स तुमने ये सब स्टार्ट किया क्योंकि हर कोई जो होता है वो दूसरे के डॉग से बहुत ज्यादा जेलस होता है ये वी आर ऑल अ लाइक दैट तो कहते हैं कि हम सब एक जैसे ही हैं तो हम तुम्हें यू नो सुन विद एंड अदर एंड किसी और चीज के लिए शुरू हो ये होता है, वो होता है वो मुझे सब कुछ याद है लोमोव आई रिमेंबर टू मुझे भी सब कुछ याद हैबर तो उसको टीज करते हुए बोलते है की अच्छा आई रिमेंबर टू तुम्हें क्या याद है my heart, my foot's gone to sleep. I can't. तो है मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स नॉट गो आफ्टर फोक्स माई हार्ट तो फिर वो उसे छेड़ते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता तुम शिकार विकार पे कहीं जाते होंगे तुम अपने किचन के ओवन के नीचे जाके छुप जाते होंगे और वहां से ब्लैक बीटल्स को कैच करते होंगे और फॉक्सिस के पीछे नहीं जाते होंगे शुभ कौ यस रियली सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू एनीवे यू ऑट टू सिट एट होम विद योर पैल्पिटेशन एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स तो कहते किस तरीके के हंटर हो आप तुम्हारा दिल ऑलमोस्ट धड़कने लग जाता है तुम घर पे बैठ के यही सब करते हो ना कि ट्रैकिंग एनिमल्स मतलब

चुप हो जाओ लोमोव ओल्ड रैट तो वो फिर से उसे करना शुरू कर देता है, को, कि एक है कि तुम चुप हो जाओ वर्णा मैं तुम्हें, तुम्हें तीतर की तरह शूट कर दूंगा यू फूल तुम बेवकूफ हो लोमोव एवरीबॉडी नोज दैट माय हार्ट योर लेट वाइफ यूज्ड टू बीट यू माय फीट टेम्पल स्पार्क्स आई फॉल आई फॉल अब यहाँ पे उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है वो कह रहा था उसका मुझे सब याद है तुम्हारी जो लेट वाइफ है जिसकी अब डेथ हो चुकी है वो तुम्हें मारा करती थी और फिर वो माई फीट स्पार्क्स आई फॉल आई फॉल करके वो मैं गिरने वाला हूँ गिरने वाला करता है चुप कॉ एंड यू आर अंडर द स्लीपर्स ऑफ योर हाउस और वो कहता है कि तुम तुम्हारी जो हाउस कीपर है वो भी तुम्हें चप्पलों से मारती थी मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है मेरे जो शोल्डर्स हैं वो मुझे लग रहा है कि टूट चुके हैं बिल्कुल और मेरे शोल्डर्स कहाँ है शायद मैं मरने वाला हूँ और वो आर्म चेयर के ऊपर गिर जाता है और वो एक डॉक्टर की मदद चाहता है चुप कॉफ बॉय मिल्क शॉप

Why haven't I cut my throat yet? What am I waiting for? Give me a knife. Give me a pistol. अ moves. He seems to be coming round. Drink some water. That's right. अब यहाँ पे जो जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है जोर जोर से चिलाने लग जाता है भगवान और यू नो पानी लाओ डॉक्टर को बुलाओ और वो टम्बलर लिफ्ट करके लोमोव को थोड़ा सा पानी पिलाता है कि तुम्हें थोड़ा सा पानी पियो पर वो पीता नहीं है तो कहता है इसका मतलब कि वो मर चुका है और कहता है मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अनहैप्पी आदमी हूँ मुझे कोई बुलेट दे दो मैं अपने दिमाग में बुलेट मतलब गोली मार लेता हूँ मुझे अपना गला काट लेना चाहिए मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ मुझे एक नाइफ दे दो उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से वो मर गया है इतने में जो है लोमोव वो मूव करता है और फिर वो उसको थोड़ा सा पानी पिलाते हैं लोमोव

देता है और कहता है कि मुझे शांति से तुम लोग छोड़ के चले जाओ लमोव गेटिंग अप वॉट टू होम लोमो कहता है कि क्या किससे किससे शादी कर लू मैं चुप कॉफ शी इज विलिंग वेल किस एंड बी डैम्ड टू यू तो वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा विलिंग मतलब कि इच्छुक है तुमसे शादी करने के लिए उसे किस करो और तुम उसके हो जाओ नचालिया वेल्स ही इज अलाइव यस यस आई एम विलिंग तो वो देखती है कि अरे ये तो जिंदा है और वो कहती है हाँ हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ चुबुकोव कहता है किस ई चौदह लोमोव आ किस हूँ अब लोमोव को यहाँ पे एकदम से uh, मतलब अपने पूरे होश में आया नहीं है वो तो वो पूछता है कि मैं किसे किस करूँ वेरी नाइस टू एक्सक्यूज मी व्हाट्स इट ऑल अबाउट ओ नाउ आई अंडरस्टैंड माय हार्ट स्टार्स आई एम हैप्पी नटालिया स्टेपनोवा किस हर हैंड माय फुट्स गॉन टू स्लीप अब वो इतना ज्यादा परेशान है बीमार है फिर भी वो कहता है मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नटालिया कितनी ज्यादा विलिंग दिखाई गई है यहाँ पे शादी करने के लिए कि इतनी ज्यादा क्वारल चल रही है उन दोनों की बनती बिल्कुल भी नहीं है फिर भी चुबुकोव उसकी शादी करवा देता है उससे और नटालिया खुशी खुशी कर रही है और जहाँ पे लोमोव है उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है फिर वो कहता है कि मेरा दिल है भगवान मुझे तारे दिख रहे हैं अब मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा वो उसका हाथ पे किस करता है

नहीं बेटर है वो उससे कहती है वर्स नहीं वर्स है वेल दैट्स वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस हैव सम तो कहता है कि ये ही मतलब कि एक मौका है कि यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे जो है वो उल्टा हो गया पहले वो कह रही थी कि जो हमारा स्क्वीजर है मतलब हमारा जो गैस है वो बेटर है यहाँ पे वो कह रहा था कि नहीं हमारा स्क्वीजर बेटर है अब यहाँ पे वो लोगों का वापस से हल्की सी थोड़ी सी बहस होती है और वो कहते हैं कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता एक फैमिली स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी और वो इसी खुशी के मौके पे शैम्पेन खोलते हैं लोमोव ही इज बेटर लोमोव कहता है कि नहीं जो स्क्वीजर है वो बेटर है नटालिया वर्स 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 क्योंकि नहीं वो बुरा है बुरा है बुरा है चुबुकोव ट्राइंग टू तो शाउट हर डाउन शैम्पेन शैम्पेन और जो चुबुकोव है वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और जोर जोर से शैम्पेन शैम्पेन चिनाने लगता है सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्टोरी वी कैन सी क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ झगड़ा हुआ है एक अजीब तरीके का प्रपोजल प्रपोजल तो सिर्फ हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था जब लोमोव आता है चुबुकोव के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने उसके बाद इस बारे में पूरी में बात ही नहीं हुई पूरे चैप्टर में सबसे पहले लैंड पे डिस्कशन रहा फिर डॉग्स पे आ गया और स्टिल मतलब की डिस्कशन चल रहा है लड़ाइयां चल रही है परेशान है बीमार हो रहे हैं गिर रहे हैं पर फिर भी वो जैसे ही उठता है वो उसकी शादी उससे करवा लेता है और नटालिया शादी कर भी लेती है क्योंकि वो बहुत सी ज्यादा लव से कैट यहाँ पे दिखाई गई है और वो अपना ओपिनियन भी तुरंत चेंज कर देती है जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उससे शादी करने के लिए यहाँ पे आया था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके की स्टोरी है कि, कि किस तरीके से जो नटालिया और लोमोव है उनका रिश्ता होता है और वो लोग शादी करते हैं और इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं एंड स्टिल दे आर फाइटिंग ऑन द सेम टॉपिक फाइट कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं बट लास्ट में क्या होता है उनकी शादी हो जाती है सो दिस इज हाउ द चैप्टर And Lomo and Natalia get married, quarreling with each other. Thank you. Classic.